नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कोयनास किचन में। मैं हूँ आराधना, लाती हूँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज। आज भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि कोई भी ओकेज़न हो ये बार बार बनाई जाती है, वो है जीरा राइस। कुछ भी आप बनाओ सब्जी, साथ में ज़ीरा राइस तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास चावल। चावल आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पर बासमती राइस। अब इसे हमें करना क्या है, बहुत अच्छे से 2 से 3 बार हमें पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो लीजिए, मैंने वॉश करके रेडी कर लिए हैं चावल। चावल को बनाने के लिए थोड़े से चाहिए हमें खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच ज़ीरा। तो अब स्टार्ट करते हैं तड़का लगाना। सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर। मैं कुकर में बना रही हूँ, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें खड़े वाले मसाले डालने की। तो डालेंगे 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़ी सी तोड़ कर डालेंगे ताकि काफ़ी अच्छे से फ्लेवर आए, और 1 चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा आपका चटकने लग जाए, मसाले भून जाए, उसमें डाल देंगे चावल। चावल डालकर थोड़ा सा अच्छे से चला लेते हैं इस तरह से। काफ़ी अच्छे से चावल को भी मिक्स कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए। जैसे ही आप थोड़ा सा चला लें, फिर इसमें आती है बारी पानी डालने की। तो मैंने 1 गिलास लिया था चावल, अब हम 1.25 गिलास डाल देंगे पानी के। 1 गिलास भरा हुआ और दूसरा हमने आधे से ज़्यादा ले लिया है। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालते हैं नमक। नमक मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, डालकर अच्छे से चला लें। अब कुकर को कर देंगे बंद और 2 विसल आने तक इसको पकाएंगे। 2 विसल आने के बाद प्रेशर को अच्छे से रिलीज होने दें, उसके बाद कुकर को ओपन करें। तो लीजिए, विसल हमारी अच्छे से, प्रेशर हमारा कुकर का रिलीज हो चुका है। अब हम कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया चावल बनकर हमारे तैयार हैं। ज़ीरा राइस वो भी कितनी फटाफट से हमने बनाकर तैयार कर लिए कुकर में। तो अब हम जितने भी खड़े वाले मसाले हैं, इन सबको अलग करके निकाल देंगे। चावल मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। चावल बहुत ही बढ़िया बनते हैं इस तरह से, बिल्कुल खिले खिले। आप भी इसी तरह से ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, आज के लिए इतना ही।